मैं एकता और आप देखे हंगामा टाइम्स न्यूज। और आज खास बातचीत में हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनके बारे में हम बात करें लेकिन वो कम है। हमारे साथ है ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करती है। वो काम करती है जो काबिले तारीफ है। वो उन बच्चों की आवाज बनती है जो कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लोगों के सामने, दुनिया के सामने नहीं ला पाते, लेकिन ये उन बच्चों की आवाज बनती है। अब हम रुक करते हैं ज्योत्सना जी को, जानते हैं उनके बारे में, उनका पूरा परिचय और वो क्या खास काम करती है उन्हीं से। आपका स्वागत है ज्योत्सना जी हमारे चैनल में, और मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं जानना चाहूंगी आपका परिचय और क्या खास है जो मैंने अभी आपको बताया, और क्या खास करती है आप। थैंक यू एकता एंड थैंक यू हंगामा न्यूज। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट में एज अ सॉफ्ट स्किल HI ट्रेनर हूँ, डेफ ट्रेनर हूँ। डेफ के साथ साथ मैं ऑल भी डिसेबिलिटीज की ट्रेनर का भी काम करती हूँ। और इस संस्था के साथ मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं हमारे जो सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के CEO सर हैं डॉक्टर जितेंद्र सर एंड सुमन मैम, मैं उनको थैंक यू बोलूँगी। ये उन्होंने मुझे मतलब एक तरीके से मौका दिया कि मैं उनकी संस्था के साथ जुड़कर मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, तो हम इस संस्था के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि हम लोग 2008 से काम कर रहे हैं और ये दिल्ली बेस्ड NGO है। हम लोग पूरे पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं। हमारी 20 संस्था है जो हर एक स्टेट में, अलग अलग स्टेट में इसी तरीके से वर्क कर रही है। मेन हमारा काम जितने भी हमारे दिव्यांग हैं, भाई बहन हैं, उनका स्किल डेवलप करके उनको रोजगार प्रदान करना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहे जितना भी उनके उनको हम पेंशन दे दें, मुझे लगता है उनको हम क्या बोलते हैं हर महीने का ट्राईसाइकिल या कुछ भी हम अवेलेबल करा दें, असिस्टिव डिवाइसेस भी दे दें, लेकिन जो आप उनको जब तक उनको जॉब नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी फैमिली या एक सोशली वो अपनी एक इज्जत के साथ में अपने लाइफ को नहीं जी सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी अपने रोजगार पाना इस समय के समय में तो बहुत कठिन काम है। तो ये संस्था मेन फोकस उनका यही रहता है कि हम उनको स्किल करके उनको जॉब, क्योंकि जॉब पाना आसान होता है लेकिन जॉब में टिके रहना, जॉब में आगे बढ़ते रहना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से तैयार करती हैं आप उन लोगों को जॉब के लिए? हाँ जी बिल्कुल। हम जो हमारा ये बोलते हैं 3 महीने का प्रोग्राम है, तो 3 महीने के प्रोग्राम में हम लोग हमारे 3 सेक्टर्स है जिनमें हम लोग उनको ट्रेनिंग देने के बाद में प्लेसमेंट कराते हैं। तो हमारे 3 सेक्टर्स है, जैसे रिटेल सेक्टर है, जैसे आप अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, जितने भी स्टोर्स हैं, खासकर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हम उनको जॉब दिलवाते हैं। तो आप अगर शॉपिंग मॉल जाओगे तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा दिव्यांग बच्चा है, चाहे वो डेफ हो या OH है, काम कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो सार्थक की क्या बोलते ट्रेनिंग के बाद में उसको प्लेसमेंट मिला है। और इसी तरीके से IT सेक्टर में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो 108 1090 है, इन सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, या क्या बोलते सार्थक के अदर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करी जाए तो कोविड से पहले तो काफ़ी, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वर्क कम हो गया है इस समय, लेकिन उससे पहले हम लोग ने काफ़ी बच्चों को, खासकर डेफ बच्चों को क्या बोलते हैं वहाँ पे जॉब दिलवाई है और वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। इवन अभी हमारे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में मतलब उन्होंने एज अ फ्रेशर काम किया था, आज वो सेल्स मैनेजर बन गए हैं, कोई कैशियर बन गया है, तो अभी भी हमारा उनसे टचअप है। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोग के साथ में काम करके। और अभी जो ट्रेनिंग आप देती हैं उसमें क्या क्या सिखाती हैं, कैसे ट्रेन करती हैं बच्चों को, क्या मुश्किलें सामने आती हैं आपके? सबसे पहले मैं ट्रेनिंग की बात करूंगी तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइज पूरा कंटेंट होता है जो हमें हेड ऑफिस से अवेलेबल रहता है, जिसमें हम सबसे पहले उनको बेसिक चीजें सिखाते हैं फर्स्ट मंथ में। तो बेसिक क्या होता है कि जब आप जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक चीजें, कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए,
रोजमर्रा के जो बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको कैसे आप यूज करते हो। देन इसके बाद कंप्यूटर मेन होता है कि कंप्यूटर आपको बेसिक कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको अपॉइंट करेगा तो वो ये सोचिए तो करेगा कि भाई उसको इतना तो कंप्यूटर में आता ही है। देन उसके बाद में हमारा आता है सॉफ्ट स्किल, जो बहुत ही मेन चीज होती है कि जो भी आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो हम सॉफ्ट स्किल के माध्यम से सिखाते हैं। देन इसके बाद सेकंड मंथ हमारा सेक्टोरियल ट्रेनिंग होता है, तो जिस सेक्टर का जो भी बच्चा होता है, हमारे अलग अलग बैचेस होते हैं। मान लीजिए हमने रिटेल सेक्टर का बैच बनाया है तो हम उसको रिटेल सेक्टर की हमारी जॉब प्रोफाइल होती है, सेल्स कस्टमर सेल्स एसोसिएट एंड अपना जो स्टोर ऑपरेशन, तो ये दोनों प्रोफाइल में ही हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। देन उसके बाद थर्ड मंथ जो हमारा होता है पूरा का पूरा प्री एम्प्लॉयमेंट मॉड्यूल होता है, जिसमें हम उनको मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, देन सीवीज कैसे बनाई जाती है, मेल्स कैसे किए जाते हैं, आप naukri.com या नेट सर्फेसिंग कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम उनको प्रिपेयर करते हैं। देन और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि सपोज आप प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो बच्चे को नहीं पता होता है कि आप रिटेल में जा रहे हो तो वो 24/7 ओपन रहता है, ठीक है, वो उनको पहले से पता होता है कि संडे को मेरा वीकेंड होगा, तो हम उनको इस बात के लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि भैया आप जिस सेक्टर में जा रहे हो 24/7 ओपन रहेगा, तो आपको संडे को छुट्टी मिले ये जरूरी नहीं है, आपको शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। तो ये सारी जो आप मेंटली प्रिपरेशन की बात होती है वो ट्रेनिंग से ही आती है, तो वो चीजें हम उनको डेवलप करते हैं। तो जब वो इन सार्थक जो है वो रोजगार प्रदान करता है, सार्थक इनको रोजगार प्रदान करता है, साथ में इनको अपने पैरों पे खड़े होने का ताकत देता है, उनको आगे बढ़ने का एक जरिया देता है जॉब के जरिए। बिल्कुल, देखिए जॉब आप 10-12 पास हो, ग्रेजुएट भी किए हो, आप 10 जगह अपना सीवी लगाओगे तो 3 जगह तो आपको बुला लिया जाएगा, डेफिनेटली आपके अंदर इतना स्किल होगा कि एक जगह आपका हो भी जाएगा। लेकिन होने के बाद हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद बोलो भैया काम बहुत है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर बहुत खड़ूस है मैं नहीं कर पाऊंगा, काम बहुत ज्यादा करवाया जाता है, सैलरी कम है, तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि बच्चे क्या है कभी छोड़ देते हैं, कभी कंपनी वाले निकाल देते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो इस तरीके से उनका डेवलप करते हैं कि हाँ वो जॉब में सस्टेन करें और आगे बढ़े, तो ट्रेनिंग का यही हमारा मेन पर्पस है। तो आप सार्थक के साथ कब से जुड़ गई हैं काम करने? सार्थक के साथ मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ, और उसके बाद में लखनऊ में हमारा यूपी में लखनऊ में एक ही सेंटर है, और लखनऊ में रहकर हमने काफ़ी काम किया है, और अब तो काफ़ी 4 सालों में लखनऊ ने काफ़ी सार्थक को पहचान दिला दी है। तो इसके साथ अगर हटके हम ज्योत्सना की बात करते हैं, ज्योत्सना को ने कब ये सोचा कि और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ वो जॉब कर सकती, तो उन्होंने कैसे सोचा कि आपको एक ऐसा काम करना है जो सबसे अलग और हटके हो? पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं एजुकेटर थी, कोऑर्डिनेटर थी, और एजुकेशन फील्ड में से ही थी, मेरी फैमिली भी पूरी एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। मैं भी उसी में फील्ड में थी, अचानक से बस ये हुआ था कि बस एक मॉर्निंग में जा रही थी स्कूल और मैं एक बस में चढ़ी तो मुझे ऑटो नहीं मिला था, तो सर्दी के दिन थे, तो जब मैं उस बस में चढ़ी उसके बाद बैठी तो वहाँ पे मैंने आसपास देखा तो सारे बच्चे बात तो कर रहे हैं बट बिल्कुल साइलेंस है, आवाज़ है कोई आवाज़ नहीं है बस में, तो और सब इशारों से बात कर रहे हैं, तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि वो डेफ है, मतलब बोल नहीं पा रहे, लेकिन एक अंदर से लगा कि यार इतना अच्छा, मतलब इतने ही खुश जैसे सभी बच्चे होते हैं, जैसे नॉर्मल सारे बच्चे जाते हैं ना चीखते हैं चिल्लाते हैं मारते हैं कर रहे हैं सारी चीजें वही कर रहे हैं, बट आवाज़ नहीं है, पूरे सिर्फ अपने हाथों से के इशारों से कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर मैंने वहाँ पे जो सर थे उनसे पूछा तो वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर तक लगा कि अब करना है तो कुछ ना कुछ इसी क्षेत्र में ही करना है मुझे। देन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा का समय इनके साथ भी बिताया, कुछ समय तक मैंने डेफ बच्चों के स्कूल में वहाँ पे जॉब करी और चीजें करी। कुछ आपको सामने परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह की तकलीफें या परेशानियों सामना पड़ा स्टार्टिंग में जब आपने शुरू करने का सोचा होगा या कर रही होंगी, ऐसे बच्चे सामने आए होंगे? स्टार्टिंग का ये लैंग्वेज प्रॉब्लम मैं बताऊंगी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम तो था ही, क्योंकि आपको जब लैंग्वेज नहीं आती तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, लेकिन जहाँ कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह होती है, तो आप
जब तक इनके साथ में रहोगे, इनके साथ मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, रियली बता रही हूँ आपको, कोई ये बोलते हैं अलग से सर्टिफिकेट लेने की, डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है, इनके साथ उठते बैठते आपको बहुत अच्छे से सारी लैंग्वेज आ जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने इनके साथ समय बिताया, ऐसे टीचर भी मैंने जब इनके साथ में उस समय एक दो साल मैंने जब पढ़ाया था तो काफी कुछ अच्छे से आ गया था। देन इसके बाद फिर मैंने और भी रिसर्च करने की कोशिश करी थी कि अभी अन्य डिसेबिलिटीज पे भी मुझे देखना है। अब मुझे मतलब एक माइंड में आ गया था कि हाँ, अभी मुझे एनजीओ में या अपने सोशल वर्क में ही जाना है, दिव्यांगों के लिए भी कुछ करना है। तो देन उसके बाद फिर मैंने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स किया हेयरिंग इम्पेयर में, और ये अच्छी बात हुई कि देन उस जैसे ही ये खत्म हुआ है और उसके बाद मैं सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट के साथ में जुड़ गई। और फिर योजनाएं हैं भविष्य की योजनाएं तो बहुत अच्छी है। और एक्चुअली जब मैंने अभी सार्थक के साथ में ही काम कर रही थी तो मेन हमारा काम तो स्किल डेवलपमेंट का एज ए ट्रेनर है, बट मैंने अपने एंड से जब कोशिश करी थी कि क्योंकि कुछ मेरा भी इंटरेस्ट ऐसा था कि मैं इन बच्चों के साथ में कुछ ड्रामा कर लेती थी, माइम्स किया था मैंने, डांस किया था, तो इसका मुझे बहुत हाइप मिला। बहुत सारे लोगों ने मुझे इन्विटेशन दिया कि आप हमारे प्रोग्राम में प्लीज़ इन बच्चों के साथ में कुछ भी प्रोग्राम कराइए। तो मैं अपने बिहाफ पे किसी भी तरीके से करके मैंने काफ़ी मतलब इसके लिए मैंने रियली मैंने बहुत मेहनत करी थी कि मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, मैं अपना लंच टाइम देती थी, संडेज देती थी, और बच्चों ने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। तो हम लोग ने काफ़ी अच्छा डांस प्रोग्राम आया था, और बताना चाहूँगी कि हंगामा से जो हमारी मुलाकात थी वो इसी इवेंट के दौरान ही हुई थी। तो वहाँ पे जो बच्चों ने डांस किया था तो वो मैंने मात्र 4 दिन में सिखाया था। तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग ऑनर मिला था तो उसके लिए मैं आज भी सोचती हूँ, तो मतलब हाँ कि रियली आप मेहनत करोगे तो वो दिख जाता है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी। तो बस वहीं से हमारा और शायद हंगामा का एक रिलेशन भी बन गया था। देन उसके बाद हमारी एक दो बार मुलाकात हमारी जब दिवाली पे लास्ट ईयर कोविड से पहले हम लोग ने लास्ट ईयर इसी नवंबर दिसंबर में दिवाली के टाइम हम लोग ने मेला लगाया था, या बोलते हैं जो भी हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, डेकोरेशन की थी, तो वहाँ पे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो इस तरीके से आगे का मैंने यही सोचा हुआ है कि अभी मुझे लग रहा है कि 2-3 योजनाएं पाइपलाइन में हैं, तो थोड़ा सा अभी इसमें टाइम है, आगे जैसे जैसे होगा तो मैं जरूर डेफिनेटली आपको बताऊंगी। आने वाला जो साल है 2021 का, क्या कहना चाहेंगी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो जनता देख रही उनसे, और कैसे विश करना चाहेंगी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी आने वाले नए साल की? 2021 में बस मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, दो चीजें हैं, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। तो प्रेशर मत लीजिए, जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। मैं अपनी जॉब को बहुत मजे लेके करती हूँ तो फिर मुझे प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट वो तो थोड़े समय के लिए होता है। तो बाकी सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी 2020 बहुत बुरा गया है, बट बुरा मैं नहीं कहूँगी, उससे हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग ली है, बहुत सारी लर्निंग ली है कि आप क्या बोले लॉकडाउन में भी कैसे काम किया जा सकता है। इवन मैं बहुत टेक्नो सेवी नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉकडाउन के पीरियड में सारा काम क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर था। तो हम कितने टेक्नो सेवी हो गए, घर बैठ के भी हम कितना काम कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें 2020 ने ही सिखाई हैं, तो वो उस बुरे वक्त ने हमें इतना अच्छा चीजें सिखा दी हैं कि हम आगे आने वाले समय में हम उनको और अच्छा बना सकते हैं। तो बस आगे आने वाला जो समय है, अपने आप को इम्प्रूव करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी 2 शब्दों में? हंगामा के दर्शकों को मैं थैंक यू बोलूंगी कि आप लोग समय निकाल के मुझे देख रहे हैं, और हंगामा को भी मैं थैंक्स बोलूंगी कि वो भी सोशल वर्क कर रहा है,
वो अपने लेवल पे जो भी लोकल न्यूज़ है वो हम तक पहुंचा रहा है उसकी, और उन्होंने कोविड में भी बहुत अच्छा काम किया है, तो काफ़ी मैंने उनका ये बोलते हैं न्यूज़ देखा है, तो उसको तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और ऐसे हम और आप आगे मिल के बढ़ते रहें और साथ हमारा ऐसे ही बना रहे, थैंक यू। तो ये खास बातचीत में हमारे साथ ज्योत्सना जी थी, और ज्योत्सना जी ने बताया कैसे उन्होंने सफर शुरू किया, कैसे वो उन बच्चों की आवाज बन रही हैं और कैसे उनको उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ा रही हैं। उनसे खास बातचीत में बात करके अच्छा लगा, और हमारा साथ तो बना रहेगा, हम फिर किसी और खास बातचीत किसी और शख्सियत के साथ मिलते हैं। अभी हमें इजाजत दीजिए।